पजेसिव केस को हम दो पार्ट में बांट देते हैं, एक को पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं और दूसरे को पजेसिव प्रोनाउन। अर्थ के दृष्टिकोण से इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। जो अर्थ माई का है वही अर्थ किसका है? माइन का। जो योर का है वही अर्थ योर्स का है। जो आवर का अर्थ है वही अर्थ किसका है? आवर्स का। बहुत सारे विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि इन दोनों के बीच अंतर क्या है। तो अंतर स्पष्ट है, जहां नाउन दिया गया हो वहां पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, जहां नाउन नहीं दिया गया हो वहां पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी केवल आप पोजीशंस के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं कि क्या फील करना है, एडजेक्टिव वाला फील करना है या प्रोनाउन वाला। एग्जांपल, दिस इज डैश इंस्टीट्यूट। अब यहां ब्लैंक के बाद आप जो शब्द देख रहे हैं वह एक नाउन है। इंस्टीट्यूट शब्द क्या है? नाउन है। और नाउन है तो हमें पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है। सेकेंड वन इज दिस इंस्टीट्यूट इज डैश, जहां फील करना है इसके बाद कोई नाउन नहीं है, यानी हम क्या यूज कर लेंगे? आवर्स। डैश इज द ओनली इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड सच कोर्सेस। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में आकर के अच्छे अच्छे विद्यार्थी भी रुक जाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, सोचने लगते हैं कि थर्ड में क्या करें जी, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल देखने की आदत आपको नहीं है। ऊपर वाले दोनों एग्जाम्पल आप नर्सरी क्लास से देखते आए हैं, लेकिन थर्ड टाइप का एग्जाम्पल जल्दी देखने को नहीं मिलता है। यह भी स्पष्ट है, उसी ट्रिक से बना लीजिए। क्या ब्लैंक के ठीक बाद कोई नाउन है? नहीं, वर्ब है। ब्लैंक के ठीक बाद क्या है? वर्ब है। और जो ट्रिक मैंने सिखाया है उसमें बताया गया है कि ब्लैंक के ठीक बाद नाउन हो तो पजेसिव एडजेक्टिव भरे, नाउन नहीं हो तो क्या भरे? पजेसिव प्रोनाउन। इसलिए यहां भी हम क्या फील कर लेंगे? आवर्स। क्यों नहीं सही होगा? आवर्स इज द ओनली इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड सच कोर्सेस। हमारी ही एकमात्र संस्थान है जो इस तरह के कोर्सेज उपलब्ध कराती है। बिल्कुल सही होगा। मैंने पहले ही कहा कि क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिख रहा है इसकी आदत आपको नहीं है, इसलिए यह आपको थोड़ा अटपटा लगता है। लेकिन आप जब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, और एग्जामिनेशन में अप टू लेवल की बात करें तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये दोनों तो बच्चों का खेल है।